कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही है उत्तर प्रदेश में रोडों को लेकर, रोड में घुसखोरी भ्रष्टाचारी ये कहीं ना कहीं चरम सीमा पे है सड़कों को लेकर, और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में रोड को। ठेकेदार नितिन गडकरी जी पैसा निकाल कर देते हैं इन लोगों को, जो रोड मिनिस्टर हैं निकाल के पैसा देते हैं इन लोगों को, जनता के जेब से निकाल के देते हैं कि अच्छे से रोड बनवाया जाए, उसमें भ्रष्टाचार हो जा रहा है। और जो रोड पिच बना हुआ है अच्छे से अभी चल सकता है उस पर ये दोबारा पिच कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं दोबारा पिच कर रहे हैं इसी पे। ये कहीं से भी आपको जर्जर स्थिति में नहीं दिख रहा होगा, टूटा हुआ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी ये रोड पे ये पिच अभी अच्छा है, फिर भी उस पे ही अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब ये जाँच आती है तब तब ये लग जाते हैं, और जब ये जाँच नहीं आती है, जब कोई प्रेशर नहीं देता है, तो उसी प्रकार ये चलता रहता है। कहीं बद से बदतर हो जाता है रोड, उस पे भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठेकेदार ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें जब ये टूटा भी नहीं है उसमें भी पीच पे पीच किए जा रहे हैं। अभी हम जहाँ तक ये हम 2 किलोमीटर बताया, हमने अपनी बाइक से मापा इसे और 2 किलोमीटर तक का ये बनाए हुए हैं ये रोड, और उसके बाद ख़त्म कर दिए हैं। बीच में देख सकते हैं ये बीच में बना दिए हैं 2 किलोमीटर दूर तक, उसके बाद ये ख़त्म कर दिए हैं। ये कहीं ना कहीं ठेकेदारी घुसखोरी कर रहे हैं, जब जब जाँच आ जा रही है उसके बाद ये स्टार्ट कर दे रहे हैं बनवाना। हम साइड में चल के दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ये ख़त्म हो जा रहा है और जहाँ से ये शुरुआत हुआ है। अभी हम वहाँ पे दिखाने की कोशिश की, देखिए यही वो रोड है, और यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि ये रोड ख़राब है कहीं से भी, फिर भी इस पर दोबारा पीच किया जा रहा है। अभी आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर ये बांसडी 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है और 2 किलोमीटर दूर तक बनाया गया है ये रोड, और यहाँ लाकर ख़त्म कर दिया गया है। अभी आपको दिख रहा है 4 किलोमीटर दूर यहाँ से बांसडी है, और इधर से दिखाएंगे आप, इधर से आइए इधर से आप दिखाएंगे तो मनियर यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, और पर यहाँ से 2 किलोमीटर बीच में बना दिया गया है। आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बीच में बना दिया गया रोड को, रोड का रिन्यूअल कर दिया गया बीच में, और वो भी रिन्यूअल क्यों किया गया, जब तक ये अभी रोड खास ठीक ठाक है, चल रहा है अच्छे तरीक़ा से, ये अभी प्रगति पे है, फिर भी ये पीच पे पीच किए जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये ठेकेदार की लापरवाही ही है कि जहाँ पीच पे पीच किया जा रहा है और जहाँ पे पूरा जर्जर स्थिति बन गई है उससे ये ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जो बन गया है उस पर ये पीच किए जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कहीं से भी हम चल के दिखाते हैं, अभी यहाँ पर कहीं भी आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि रोड ये चलने लायक नहीं है। अभी हम एक रोड पे खड़े हुए हैं, इससे 2 दिन पहले हम एक रोड पे और खड़े हुए थे जो न्यू पीच किया जा रहा था, उसका रिन्यूअल किया जा रहा था, और इसी भी पीच का रिन्यूअल करने का भी पैसा आया होगा, पर ये देख सकते हैं ये पीच कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ है। ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद लाइनें दिख रही हैं ये JCB से कोड़ा गया है कि इस पीच को अच्छे से ये पीच मेकअप कर सके और ले सके। अभी आप देख सकते हैं ये पीच कहीं से भी, इसके अलावा कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, प्रॉपर दिख रहा होगा, ये कहीं से भी पीच ख़राब नहीं हुआ है। और दूसरी बात, इसका पीच किया गया है, फिर भी इसके बाद भी पीच किया गया है इसका, आप देख सकते हैं इतनी मोटाई है इसकी, और इसका पीच किया गया है इसके बावजूद भी। हम अभी उधर भी जाके दिखाने की कोशिश करते हैं, ये करीबन 2 किलोमीटर दूर तक ये पीच बनाया गया है, और अभी ये एक साइड तक बना है और दूसरे साइड में ये बनेगा। अभी हमने इससे 2 दिन पहले एक और भी पीच पे गए हुए थे जिसका रिन्यूअल किया जा रहा था, वो टूटा हुआ था उसका, वो तो टूटा हुआ था, हम मानते हैं वो टूटा हुआ था, और हमने अगली वीडियो में भी दिखाया था। अगर हमारी पूरी वीडियो अगर जाके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कई सारे पीच इसी बलिया ज़िले में, कई सारे पीच एकदम से जर्जरे हो चुके हैं, टूट चुके हैं, फिर भी उसका रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है, उसे पीच भी नहीं डाला जा रहा है, और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर जिसका जो टूटा हुआ भी नहीं है, अभी अच्छा खासा चल रहा है रोड, अभी वो चल सकता है, उसमें ये पीच पे पीच दोबारा पीच कर रहे हैं, तिबारा पीच कर रहे हैं, और ये करते जा रहे हैं, और जो टूटा हुआ है उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये ठेकेदार अपनी पैसा ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या जाँच आ जा रहा है इन लोगों पर कि इस पीच का फिर से बनवाने की कोशिश लग जा रहे हैं। ये सड़क कहीं से भी आपको नहीं दिख रही होगी कि जर्जर हो गया है, टूट गया है, कहीं से भी ये रोड सड़क कहीं से भी दिख नहीं रही होगी, अच्छी तरीके से चल रही है, इस पर रोड लोग चल रहे हैं बिना किसी हफ्ते के, और ये अच्छी तरीके से चल रहे हैं। देखिए
और ये अच्छी है, अभी रोड अच्छा है, अभी दो वर्ष तक चल सकता है, फिर भी ये पता नहीं क्यों 2 किलोमीटर दूर इसमें कर दिए बीच में, और उसके बाद ये ख़त्म कर दिए। ये ठेकेदार नितिन गडकरी जो पैसा ये दे रहे हैं जेब से निकाल कर, जनता का पैसा, ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और जब ये जाँच आ जा रही है तब इस पर बीच में कहीं से खपत कर दे रहे हैं। नमस्कार, देखते रहिए नागरिक तक न्यूज़ चैनल ऐसे ही।